आपकी डाइट सही है? क्या आप अपनी किसी बीमारी को दूर करने के लिए डाइट के परहेज फॉलो करते हैं? क्या आपको दवाओं का उतना फायदा होता है जितना होना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? कहीं डाइट को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं आप? क्या आपका वजन ज्यादा, पाचन कमजोर है और बीमारियां आपका साथ नहीं छोड़ती हैं? अगर ऐसा है तो ये एपिसोड आपके लिए है और आपको डाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में जानना जरूरी है। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहेते प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट के बारे में। आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर आपने खान पान का परहेज फॉलो कर लिया तो आपने बीमारी से आधी जंग जीत ली। ये बात कहाँ तक सही है? क्या डाइट इतना जरूरी है हेल्दी लाइफ के लिए? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट डाइट के बारे में। अगर आप या परिवार में से कोई भी बीमार है, पीड़ित है और आप एक सही और जेन्युइन डाइट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि डाइट का आयुर्वेद में क्या महत्व है और इसका ट्रीटमेंट में क्या रोल है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर जो है रोगों का जो मूल कारण है, हम बार बार आपको बताते हैं, वो है मिथ्या आहार और मिथ्या विहार। थोड़ा मतलब समझा देता हूँ, यानी कि गलत डाइट और गलत लाइफस्टाइल। अगर जो है आप बीमार हैं तो भी उसमें जो है अगर आपकी डाइट गलत होगी तो आपकी चिकित्सा जो है ठीक से नहीं होगी। इसलिए जो है डाइट का बहुत महत्व है चिकित्सा में। और एक पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी, फूड इज़ मेडिसिन। बिल्कुल सही है, क्योंकि उचित मात्रा में खाया गया भोजन मेडिसिन का काम करता है। क्या करता है वो? आपकी जो अग्नि है, जो भोजन को पचाती है, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेगा तो अग्नि आपकी स्वस्थ रहेगी। अग्नि स्वस्थ रहेगी तो उत्तम क्वालिटी के धातु बनेंगे आपके शरीर के अंदर। धातु यानी कि जो टिश्यूज़ हैं, हमारी मसल्स हैं, हड्डियाँ हैं, खून है, ये अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। और ये अच्छी क्वालिटी के होंगे तो इनका जो सार है, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं ओजस, आम भाषा में उसको आजकल बहुत पॉपुलर शब्द है इम्यूनिटी, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी भी तो भोजन से ही आती है ना। विशेष रूप से जैसे आपने चिकित्सा की बात की है यहाँ पर, कि चिकित्सा से क्या संबंध है इसका, तो हमारे यहाँ कहते हैं अपथ्यम किम औषधि, यानी कि जो बीमार व्यक्ति है अगर वो डाइट फॉलो नहीं कर रहा है तो दवाई क्यों खा रहा है? क्योंकि जो मेडिसिन आपके दोषों को बैलेंस करने के लिए दी गई है, उन्हीं दोषों को आप गलत डाइट लेकर के अगर बढ़ाते रहेंगे तो फिर काम नहीं होगा। बिल्कुल अधूरा काम रहेगा। तो आयुर्वेद में निदान परिवर्जन इसको कहा गया है, और निदान परिवर्जन भी एक प्रकार की चिकित्सा है, यानी कि डाइट भी आपकी एक तरह की मेडिसिन है। और सबसे बड़ा जो निदान है हमारा, जो वो डाइट ही है। तो जीवा में हर पेशेंट को पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट दी जाती है, और जैसा कि आपके स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं आप, एक ये डाइट चार्ट हमने दिखाया है अपना, कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जो नहीं खाना है उसको क्रॉस कर देते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको कभी कभी खा सकते हैं, सब बहुत अच्छे तरह डिटेल में हम आपको समझाते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोशिश ये रहती है कि आप लोगों का हित हो। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो डाइट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो अपनी डाइट के साथ बिल्कुल कोई खिलवाड़ नहीं करें, और नहीं तो आपको जो है बहुत इसके खतरनाक नतीजा उसका फिर आपको भुगतना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, तो इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए जी, तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना चाहिए और कब तक करना चाहिए? ये भी अच्छा प्रश्न आपने किया है। ऐसे तो
हर रोग में ही डाइट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बहुत विस्तार से समझा ही दिया है जी। डाइट का पालन जो करना है, विशेष रूप से जो आपने कहा है कि जो गंभीर रोग हैं, जो बहुत सीरियस डिजीज है, जैसे कैंसर है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कई लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या जितने भी जो सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, उनमें तो डाइट चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। जब तक आपकी मेडिसिन है तब तक ज़रूर करना है, और उसमें भी हमारे डॉक्टर्स जो हैं आपकी कंडीशन को समय समय पर चेक करते रहते हैं। हमारे यहाँ पूरा एक रिलीफ ट्रैकर बनाया जाता है पेशेंट का जी, हर महीने उसका रिलीफ ट्रैक करते हैं, उसको देखते हैं और उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं। लेकिन याद रहे कि आपके लिए ये डाइट चार्ट बनी है, आपका रोग है, आपका ही शरीर है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, डाइट रूटीन को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए रोगों के उपचार के लिए। वैसे मैं आपसे और बहुत सारे सवाल पूछना चाह रही हूँ, लेकिन फिलहाल एक वीडियो कॉलर है जो पहले अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, उनकी बात सुनते हैं जी। मैं शशि भूषण सेमवाल बोल रहा हूँ, उत्तराखंड जनपद रुद्रप्रयाग से। 7-8 महीने पहले जीवा पर मैंने उनका, डॉक्टर प्रताप चौहान जी का प्रोग्राम देखा, तो उनकी बातों से मुझे लगा कि यहाँ कुछ न कुछ आदमी को ठीक करने की कुछ प्रक्रिया है। इससे पहले कुडो से या वैदिक आयुर्वेदा से जगह जगह से मैंने दवाइयाँ ली, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब जीवा से मैंने ये संपर्क किया तो जीवा वालों ने तुरंत जो है रिस्पांस दिया, मेरी पूरी डिटेल मालूम करी, मेरी एज मालूम करी, मेरा शुगर लेवल मालूम किया, कितने समय से मुझे शुगर है, और साथ ही साथ मैं क्या काम करता हूँ और मेरी एज क्या है, ये सारी डिटेल पूछ करके उन्होंने जो है कस्टमाइज दवाई बना करके मेरे को भेजी, जिसका मुझे काफ़ी फर्क पड़ा। और पहले जो है ये 135 से 250 तक रहता था, और आज जो है 132 से लेकर 150 के बीच मेरा शुगर लेवल रह रहा है। मैं जीवा का प्रोग्राम हमेशा देखता हूँ, तो इससे उनकी बात से जो है मुझे कुछ प्रभाव पड़ा मेरे मस्तिष्क में, और दवाई का भी मेरे पर अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये प्योर आयुर्वेदिक है तो इससे जो है कोई नुकसान भी नहीं है। इसलिए मैं जीवा आयुर्वेदा को धन्यवाद करता हूँ, तथा डॉक्टर प्रताप चौहान जी का भी अनुग्रह करता हूँ, उनका जो है, उनसे जो है प्रभावित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो है बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हम क्या करते हैं। आपने बताया कि जब हम अपनी यहाँ बातें करते हैं शिल्पा जी के साथ, तो उसमें हम आपको समझाते हैं और सरल भाषा में समझाते हैं, जिसको सुनकर आप प्रभावित हुए, और प्रभावित हुए तो आपने हमारे यहाँ कॉल किया, और वहाँ जब कॉल किया तो आपने बहुत विस्तार से समझा दिया कि किस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स जो हैं कंसल्टेशन करते हैं। उसके बाद जो है फिर आपने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया कि कस्टमाइज्ड दवाई, पर्सनलाइज्ड दवाई, इसी के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि लोगों को समझाइए कि ये जो कस्टमाइज्ड जो दवाई होती है, जो पर्सनलाइज्ड दवाई होती है, इसका बेनिफिट क्या होता है। जैसा कि आपको बेनिफिट मिला, आपकी शुगर जो है 250 से और बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गई है, और हम जैसा अपने शो में बार बार कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद, यानी कि आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको समझ करके एक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बना करके, जो डॉक्टर जब आपके लिए पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके भेजता है और पर्सनलाइज्ड आपको डाइट चार्ट बना के भेजता है, एक्सरसाइज प्लान बना के भेजता है, और आयुर्वेद की उत्तम से उत्तम जो औषधियाँ हैं वो आपके घर तक हम पहुँचाते हैं। यही हमारा अभियान है कि घर घर में पहुंचे असली और नेचुरल आयुर्वेद। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर ऐसी ही कोई केस स्टडी आप हमारे साथ शेयर कर सके। जी बिल्कुल, देखिए केस स्टडी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस एपिसोड में हम देखिए डाइट के बारे में बात कर रहे हैं,
और आपको समझा रहे हैं कि रोगों का इलाज जो है उसमें डाइट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की दवाइयाँ। कई बार पेशेंट्स जो है थोड़ा सा चीटिंग करते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो चीटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, और मेडिसिंस लेते हैं तो परहेज नहीं करते तो उन्हें आराम नहीं मिलता, तो फिर डॉक्टर को ब्लेम करते हैं। उसके बाद बहुत बार देखा है हमने, दवाइयाँ ले रहे हैं लोग, परहेज नहीं कर रहे, लेकिन आके बोलेंगे सर आपकी दवाई बेकार है। तो आयुर्वेद को जो है ब्लेम नहीं करना है, डॉक्टर को ब्लेम नहीं करना, पहले आप अपने आप को देखिए कि आप कितना कर रहे हैं। जनरली हमें अंदाज़ा हो जाता है, जब पेशेंट जब हमारे पास फॉलोअप के लिए आता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन पेशेंट डाइट फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये मत समझिए कि आप कहीं चीटिंग कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, सब डॉक्टर हमारे समझ जाते हैं। केस स्टडी की आपने बात की है तो एक केस स्टडी आपके साथ यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये जीवा जो हमारी MRC जिसको हम कहते हैं मेडिकल रिसर्च सेंटर जो जीवा का है, वहाँ पर ये पेशेंट ने वीडियो कंसल्टेशन की। ये रोगी जो है 1 साल से हाइपर एसिडिटी से पीड़ित था, पेट में जलन, छाती में भी जकड़ाहट होना, गैस बनना, पेट इसका साफ नहीं होता था बिल्कुल भी, भूख बहुत कम लगती थी और नींद भी अच्छी नहीं आती थी इस पेशेंट को। अच्छा। तो हमने जब इसको डायग्नोज किया पूरा तो हमारे यहाँ डायग्नोसिस बनाया अम्ल पित्त, साधारण रोग है, कोई बहुत मुश्किल रोग नहीं है, अक्सर 4-5 महीने में ठीक हो जाता है। जीवा की मेडिसिंस तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन 4 महीने तक ये रोगी जो है ये दवाई खाता रहा तो इसको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। देखिए यहाँ हमें पता चल जाता है कि छोटा सा रोग है, बड़ा मुश्किल रोग नहीं है, 4-5 महीने में ठीक हो जाता है। 4 महीने ये दवाई खाता रहा लेकिन कहता जी कोई आराम नहीं आ रहा, तो फिर हमारे डॉक्टर्स ने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, पता चला कि जो रोगी है उसने चाय नहीं छोड़ी और थोड़ा कभी कभी अचार और मिर्च भी वो खा रहा था। तो इसलिए डाइट का बहुत महत्व है। तो डॉक्टर ने फिर थोड़ा डांट करके बोला उसको, कभी कभार हमारे डॉक्टर को थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ता है, स्ट्रिक्टली बोला, समझाया तो उसकी समझ में आया, फिर उसने परहेज पूरा किया। आप देखिए 5वें महीने में उसको आराम मिल गया और 6ठे महीने में रोग पूरी तरह से उसका पूरा ठीक हो गया। इसलिए डाइट का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप सभी से मैं बार बार ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो भी आपको डाइट चार्ट दिया जाता है उसको बिल्कुल रिलीजियसली आपको फॉलो करना है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा, पैसे भी खर्च होंगे आपके और रोग भी ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, डाइट के नाम पर मार्केटिंग करके तरह तरह के डाइट प्लान्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जबकि सही और रियल डाइट प्रोसेस लोगों से दूर है। जानिए सही और नेचुरल डाइट प्रोसेस को, जुड़िए जीवा आयुर्वेद से, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद का मतलब है जीवा आयुर्वेद, और वही है असली आयुर्वेद। हमसे जुड़ने के लिए कॉल कीजिए ऑन आवर सेहत का नंबर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। तो आज ही 88-60-10-40-40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई सलूशन पाना चाहते हैं, आप भी हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं सेहत के नंबर पे, अपने नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में जा सकते हैं, सेहत के नंबर पे जीवा के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और पा सकते हैं अपनी किसी भी बीमारी का उपाय, इंक्लूडिंग अ डाइट चार्ट ऑल्सो। हाँ, लेकिन उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो आज ही 88-60-10-40-40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, पूछना चाहूंगी कि एक हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए आम इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे होनी चाहिए उनकी डाइट? देखिए, सबसे पहली चीज जो है हम बार बार बताते हैं कि आपको अपनी प्रकृति समझनी है। अगर आपको अपनी प्रकृति नहीं मालूम है तो आप, जैसे हमारा जीवा की वेबसाइट है, वहां जाकर के एक टेस्ट है, VPK टेस्ट बोलते हैं उसको, वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो उसमें अग्नि तेज होती है, कफ वालों की अग्नि मंद होती है, नेचुरली है। दूसरा जो है, रोग के अनुसार आपको डाइट आपकी होनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं, कोई आपको ऑलरेडी कोई डिजीज है तो उसके अनुसार होनी चाहिए। माइंड को रिलैक्स करने वाली डाइट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल माइंड का बड़ा चक्कर है, बहुत सारे लोग जो है वो टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत चल रहा है, एंग्जाइटी। तो जिसका मतलब क्या है कि सात्विक डाइट आपकी होनी चाहिए, फ्रेश, नेचुरल, ऑर्गेनिक, अगर हो सके वेजिटेरियन डाइट आपकी होनी चाहिए।
जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट। और आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डालते हैं ब्रेकफास्ट के, तो खाना तो उनका कम होता है लेकिन साथ में कटोरी भर के टैबलेट्स होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स। राइट राइट। तो आपके हिसाब से ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है इनका हमारी हेल्थ में कितना रोल है? देखिए, बहुत रोल है। आयुर्वेद में तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन मिले डाइट से ही मिले आपको। सीजनल फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, वो गोली खाने की क्या जरूरत है आपको। ड्राई फ्रूट्स खाइए, दूध पी लीजिए, अच्छी क्वालिटी का दूध, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। घी तो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है, आज भारत से ज़्यादा तो विदेशी लोग घी खा रहे हैं। और यदि आपको सप्लीमेंट्स कुछ लेने भी हैं तो नेचुरल होने चाहिए, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स आपको नहीं चाहिए। भाई आंवले का जूस है, जीवा में भी मिलता है, आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, व्हीट ग्रास जूस भी हमारे यहाँ मिलता है, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है व्हीट ग्रास के अंदर। जीवा का ओजस कैप्सूल है, जीवा की अश्वगंधा टैबलेट है, जीवा का चवन प्राश, शुगर फ्री भी आ गया है, जो लोग थोड़ा चीनी खाने से खतराते हैं, थोड़ा उनको डर लगता है। और महिलाओं के लिए जो है शतावरी टैबलेट और सबसे बढ़िया नारी सखी कैप्सूल। तो ये नेचुरल चीज़ें उपलब्ध हैं, तो क्यों आपको जो है सिंथेटिक चीज़ें लेनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। जीवा हेल्थ शो में चार चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर चौहान ने आज आपको इतनी ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन जानकारियों का फायदा जरूर उठाएंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपके फैमिली में किसी के लिए आप आयुर्वेदिक उपचार पाना चाहते हैं तो जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। नोट कीजिए सेहत का नंबर और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के एपिसोड में आपको काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपका जो स्टमक है वो कोई गार्बेज बिन नहीं है, इसलिए कुछ भी खाने से पहले सोचिए कि उसका नेगेटिव इफेक्ट कैसे आपकी हेल्थ पर होगा, क्योंकि लाइफ में जो असली वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।